नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। आजम खान ने हेट स्पीच के मामले में दोषी साबित होने के बाद इस पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था। इस पर कोर्ट ने उनकी 3 साल की सजा भी बरकरार रही और विधानसभा की सदस्यता भी रद्द ही मानी गई। इसी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। इसी बीच रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को नया शेड्यूल जारी किया है। इस शेड्यूल में बताया गया है कि मतदान पहले की तरह 5 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को ही होगी। बस नामांकन की तारीख एक दिन बढ़ा दी गई है। पहले नामांकन की तारीख 17 नवंबर थी, अब उसको एक दिन आगे बढ़ाकर 18 नवंबर कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह नया शेड्यूल रामपुर के एडिशनल सेशन जज की अदालत में हुई सुनवाई के बाद जारी किया है। गौरतलब है कि बीते 27 अक्टूबर को नफरती भाषण देने के मामले में आजम खान की सजा के बाद उन्हें जनप्रतिनिधि अधिनियम यानी पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत अयोग्य घोषित किया गया था। फिर चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रामपुर के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर का सुझाव एवं विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लगातार छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।